नहीं तो दर्द नहीं जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? अभी रुक जाओ, दर्द में चला नहीं भैया, शिमला मिर्च भी डाल दो चावल में। नहीं नहीं, ये बताओ कि ये माजरा क्या है? ये इंट्रो करने जा रही, बहुत तेज खड़खड़ाता है, इसको साफ करने। अच्छा, ठंडी खड़खड़ा, गर्मी में तो नहीं खड़खड़ाता था, सुना दी वीडियो में बिल्कुल आवाज ही नहीं आती, चलता रहता है मेरा दिमाग भी। जैसे मौसम जैसे जैसे चेंज होता है ना, तो पंखों की आवाज अच्छी नहीं लगती, तो इन लोग के मारे मैं चलाए रहती हूँ, सोचती हूँ कि चलो जाने दो। और एक आई राधे राधे, सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। अभी दोपहर के बज गए 12, घड़ी आधा ही घंटा मनोज तिवारी आगे कर दिए इसको, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में आज मटर वाले चावल बनाऊंगी तहरी, तो अभी चावल साफ करूंगी। एक जन से सब्जी मंगाया तो आज एक मटर पनीर ला के आज ही रख दी, कह रहे आज तुम बना दो और कल मैं बनाऊंगा। आज मतलब वो मेरे लिए कि अब तुम अच्छा बनाती नहीं हो और मैं बनाऊंगा तो अच्छा बनाऊंगा, तो मटर पनीर और मटर आज ही दे दिए ला के, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं, मैं चावल ही बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा उनका मतलब पनीर से उगता ही नहीं है बिल्कुल, रोज़ पनीर बनाओ रोज़ पनीर बनाओ। तो बने रहिएगा सब लोग लास्ट तक, पूरा वीडियो देखिएगा जैसा भी लगेगा। तो यहाँ पे गाइस मैं चावल बनाने जा रही हूँ। मैंने उस टाइम भी अब बोला था चावल बनाते टाइम, पर बाहर कुछ काम चल रहा है नीचे, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, मशीन पता नहीं क्या चल रही थी, तो बहुत खटखटा रहा था, तो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। तो बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और डब्बा मेरा नया है तो बार बार डब्बा ही दिखा रही हूँ, लेके आई हूँ, लेकिन इसमें प्लेट वगैरह उन्होंने नहीं दिया ना चम्मच दिया, तो मुझे पता नहीं था। मैं अमीनाबाद गई थी तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी सोप से लाए हैं, नहीं तो मैं चम्मच लेके उनसे ज़रूर आती। तो जीरा और प्याज, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। वैसे इस मटर का चावल तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि फ्रोजन मटर होती है तो मेरे को नहीं पसंद आती ये मटर, लेकिन घर में मनोज तिवारी हमेशा यही मटर गोभी पनीर यही ला के रख देते हैं। तो टमाटर को भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया, दो छोटे छोटे टमाटर कट किया था, और ऐसे ही आप लोग भी बनाइए अगर नहीं बनाते। वैसे तो तहरी सब सेम तरीके से बनाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। नमक ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट या स्वाद अनुसार, और लास्ट में मैंने इसमें पनीर भी ऐड किया था, लेकिन मुझे पनीर जब थाली में सर्व कर रहे तब ऐड करना था, तो मैंने कुकर में ही ऐड कर दिया। जब उसको परोसा तो वो पूरा पनीर उसी में मिक्स हो गई कद्दूकस कर दिया। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, अगर नए हैं चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब करके जाया करिए, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर किया करिए, और कमेंट भी अच्छा अच्छा किया करिए अगर पसंद आए वीडियो तो। हमेशा हम यही कहते हैं हमारे चैनल पे, अगर आप लोग आते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाया करिए, बहुत खुशी मिलती है। अगर अच्छा कमेंट आ जाता है तो उसमें भी बहुत दिल अंदर से खुश होता है, कोई भी मतलब कमेंट आता है तो बहुत खुशी मिलती है, फिर आगे नेक्स्ट डे ऐसा लगता है और भी अच्छा करें, और भी अच्छा कुछ शेयर करें। और जब वीडियो डालते हैं ना, मतलब कोई बहुत लोग वीडियो देख लेते लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत दिल अंदर से टूट जाता है कि मतलब ना लाइक हो ना कमेंट हो, तो अच्छा नहीं लगता, फिर मतलब मन नहीं करता कि वीडियो बनाऊँ। अब हम कोई काम कर रहे हैं अगर उसमें हम अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए मुझे अप्रिशिएट होता है, मिलता है तो खुशी मिलती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा है वीडियो, कमेंट में कुछ भी भेजें तो मोटिवेशन एक तरीके से बढ़ता है, अच्छा भी लगता है। तो चावल यहाँ पे मेरा बुनाई वगैरह सब हो गई इसकी, इसमें मैंने पानी अकॉर्डिंग के हिसाब से जितना भी ऐड करना वो कर दिया, और अब मैं कुकर को बंद करूँगी। उसके बाद लास्ट में मैंने पनीर, मैंने सोचा था थाली में सर्व करूँगी तब पनीर ऐड करूँगी, लेकिन मैंने उसी टाइम ऐड कर दिया था तो गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। चावल को छोंक दिया, अभी बन जाएगा, सीटी आ जाए बस। बहुत ईजी वाला काम हुआ है आज, खाने वालों को देखो क्या होता है, पसंद आता है कि नहीं।
कभी एक जन आएंगे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, सोचेंगे भेजा था पनीर और चावल तो ऐसे भी मनोज तिवारी मना ही कर देते, चावल खाते ही नहीं बिल्कुल, रोटी चाहिए बस, रोटी रोटी रोटी। तो यही सोच रही हूँ, बना दिया चाय खाए चलो, दे दूँगी खाओ जाओ। कभी कभी मैं अपने बाल देखिए कैसे हो गया, जो हेयर फॉल हुए तो वो थोड़े थोड़े निकल गए, तो वो सब पंखे में ऐसे लगता है भूतनी बन गए। अभी आज सब मंदिर का तो कपड़ा वपड़ा चेंज किया था, फिर कल फिर चेंज करूँगी और बैठूँगी। सीटी आए गैस पहले उसमें कुकर में, उसके बाद फिर देखिए आगे क्या होता है। मित गोल मटोल मेरे दुबले पिया में तू, चावल बन गए हो। अभी मैं थोड़ा सा इसमें पनीर को कद्दूकस करूँगी, पर देखना पड़ेगा। मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, बजने वाला है, काम सब हो गया, खाना पीना, अब जा रही हूँ। मतलब ये घड़ी पीछे चल रही है, अभी कितना बज रहा है बोलूँ, अभी 2:30 बज रहे हैं। झोला भी ले जा रही हूँ उधर, इसे सब्जी भी ले लूँगी क्योंकि कल निकलना हो नहीं पाएगा, और मिठाई भी आज ही ले लूँगी, फुर्सत रहेगी कल खाना पीना बनाने लगूँगी तो अपने आप से ही ले लूँगी। मनोज तिवारी को भेजूँगी तो उनकी छुट्टी नहीं आज भी है, पता नहीं कल भी है कि नहीं, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा, तो निकल रही हूँ। पूरा भरा पड़ा है। ये चूल्हे कितने के हैं बड़े वाले, ये जो है जो अभी गिरा था, हाँ नहीं पूछ रहे थे, लोहे की कड़ाही भी, कड़ाहा भी बेचते हैं। ये देखिए इतनी छोटी छोटी कढ़ाई है, मैं सोच रही हूँ लेने के लिए। ये तो नॉन स्टिक है, ये छोटी छोटी कढ़ाई है, बहुत वेटेड है, मतलब भारी है, छोटी है, बहुत छोटी है, मतलब इतनी छोटी छोटी है। और एक ये तो और भी छोटी है, ये अच्छी लग रही है, बहुत सारे बर्तन हैं यहाँ पे। अभी मैं देख रही हूँ, मैं ये सोच रही थी कि ले लूँ, टमाटर क्या है साहब, टमाटर भैया सोया मेथी कैसे दे रहे हो, दे दो पाव भर, सोया कम देना मेथी ज्यादा। मंडी में सब्जी ले रही हूँ, सामान ले लिया तो
कद्दू कैसे दे रहे हैं? ये वाली कद्दू 15 का था, 3 किलो का है, क्योंकि मामा बोल रहे थे रोहित मामा कि घड़ी वाला ना लिया करो, टेक्सा लिया करो, चाहे टेक्सा लिया करो। बहुत महंगा आता है वो, हाँ 4.5 का आता है। ये 3 किलो का घड़ी है, मैंने वो लाइन मंगाया टिकट का, पहले इस्तेमाल करो। आपने इस्तेमाल दोनों करे ना, इसमें उसमें चलाने में क्या फर्क है? मैं उसको नहीं करूँगी। रात होगा कभी ना कभी, याद नहीं है ये सब हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इतने में क्या कहते हैं, इतने में तो ये 3 बार आ जाएगा, 6-3 किलो का। दूसरा क्या है कि जैसे मशीन वगैरह हो तो उसके लिए सही रहता है। तो ये कहाँ से मंगाया है? फ्लिपकार्ट। 3 किलो का घड़ी है, ये बेसन है, अगर दिखाओ ऐसे करके ऊपर करके, ये मिलता है बेसन आधा किलो का है, घड़ी पाउडर 3 किलो का है, 3 किलो रोटी रखती है, और ये मैक्रोनी का अच्छे से दिखाओ, मैक्रोनी का पैकेट है ये, ऐसे सीधा करके इधर तरफ दिखाओ ना, उल्टा कर रहे हो। आटा वो मैं सूजी वाली है, मैदे वाली नहीं है, मजोन भी आ गया मजोन भी आ गया और ये मैगी है, भाई भी लाए बाबा, लाल जी के हाथ में है। अरे कितना भी पाइन है, पाइन 1 किलो का, ये साबुन, ये मिट्टी, ये सब मुझे ऑफर, और वो मैगी, मैगी दिखाया, अमूल बटर, अमूल बटर एक साबुन पत्ती, वो भाई कितनी करवा लूंगा, और ये आधा किलो का तेल फ्री मिला है सारे सामान के साथ मुझे, और ये पापा भी मिठाई लेके आए हैं, काजू कतली मिली, मतलब मिली है जहाँ काम करते हैं, योर वाली तो डब्बा देखो किसके गाड़ी को, इनके कंपनी से काजू कतली का डब्बा फ्री, मतलब वो गिफ्ट मिला है, प्योर काजू कतली। इसके ऊपर भी सिल्वर कोटेड है, लेकिन ये महंगी वाली होगी, लाल जी की, लाल जी के नाम काजू कतली में रहती है, सिल्वर कोटिंग। तो मनोज तिवारी को यहाँ जब काम कर रहे हैं तो काजू कतली आज के लिए, मतलब मिठाई जहाँ काम करते मिलती है, हर जगह से जहाँ भी करें हर जगह मिली है, तो यहाँ पे भी मिली है, और जगह से भी तो बोले थे मिलेगी, और पापा रंगोली के लिए कलर चाहिए और पटाखे। एक छोटा सा कल मैं वहाँ अमीनाबाद में ढूंढ रही थी, नहीं मिला, अमीनाबाद से ला, तो ये लेके आई, आज लेके आई हूँ, और इतने सामान में एक अमूल बटर भी है, तो ये आधा किलो का तेल फ्री मिला है, लिया नहीं मैंने इसको, यही सब सामान है। अभी मैं अच्छे से बर्तन तो इसमें सेट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत देर से कर रही हूँ, देखो हो नहीं पा रहा है। एक तो कई आज लेके आई मैं इसको, स्टैंड को इतने दिन से टूटा वाला स्टैंड लगा पड़ा था, तो आज इसको मैं खरीद, मतलब कल लेके नहीं आई थी, आज लाई हूँ, तो इतनी देर से बर्तन सेट करी हूँ, अभी तक मतलब जो कटोरी वगैरह रखने का वो नीचे था, बाकी 2 बार लगाया, एक बार ऊपर गड़वाया तो वहाँ मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी, फिर कील नीचे, फिर दोबारा से फिर से गड़वाई, तब ऊपर रखा, तो सेटिंग कर रही हूँ इतने देर से, पर हो नहीं पा रही, बड़ी थालियाँ जो हैं वो इसीलिए ज़्यादा थाली निकली भी नहीं है, और अभी बर्तन धोने भी हैं तो पूरा लगाऊँगी, जब पूरा सेट कर लूँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। सामान जो मैं मंगाई हूँ तो ये मुझे मतलब कि कम प्राइस में मिले हैं, क्या जैसे ये 1 किलो 100 रुपए का मिलता है, 1 किलो 100 रुपए का जैसे हम लेते हैं तो 100 रुपए का मिलता है, 50 रुपए का एक पैकेट आता है जो मैं लाती हूँ सूजी वाला, और ये मुझे कितने का पड़ा है, 47 का एक किलो का पड़ा है, और ये मैगी का पैकेट था, इसमें 6 पैकेट हैं, तो 4 पैकेट वाला कितने का आता है, 56 का आता है, ये भी मतलब कम ही प्राइस में पड़ा है। साबुन मतलब जैसे ये 20 रुपए का आता है, ये 84 रुपीज़ का आता है, ये 20 का साबुन पड़ता है,
तो एक साबुन मतलब ये 40 रुपये का है, तो एक साबुन इसके साथ फ्री में है और रिफाइंड है। और मुझे तो घड़ी पाउडर जो आया 3 किलो का, उसका वो मुझे बड़ा आराम लग रहा है, क्योंकि ले लिया तो 2-3 महीने की फुर्सत हो जाएगी। और सब्जी भी अभी आई पड़ी है, झोले में रखी है, बहुत सारा सामान गई एक ही साथ लेके आई, बहुत देर भी लग गई। तो मिठाई भी लेना था, पर मिठाई सब लोगों ने बोला, बहुत लोग आज नहीं ले रहे थे। ये वो जैसे फ्रिज वगैरह में जूठा भी हम रख देते हैं, और रख के मिठाइयाँ नहीं चढ़ानी चाहिए, तुरंत लाओ तुरंत चढ़ा दो जा रहे। तो अभी चल रहे हैं, वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे गाइस, बाय बाय।